और बाकी पेरेंट्स, आज हम इस साल के 2023-24 के एडमिशन के पहला पड़ाव स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पे नॉर्मली करेंगे। तो नॉर्मली हमारे पास देखिए, कोई भी साल एडमिशन शुरू करने के लिए हमारे हेडक्वार्टर दिल्ली से एक गाइडलाइन इशू करते हैं, जिसको एडमिशन गाइडलाइन कहते हैं। और यह आपको किसी भी वेबसाइट में मिल जाएगी, KBS की वेबसाइट और हमारे स्कूल की वेबसाइट में मिल जाएगी। और इस गाइडलाइन के तहत ही हम पूरा एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं पूरे इस साल के पूरा एडमिशन प्रोसेस, जिससे हम इधर उधर नहीं जा पाते। अब अगर चाहे तो आप देख सकते हैं उधर। और ये गाइडलाइन बताते हैं क्लास वन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे, जो हो चुके हैं पिछले महीने से, 27 मार्च से हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं और आज तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेंगे। और इसके बाद 20 तारीख को क्लास वन का लॉटरी होगा और वो हम ऑनलाइन भी करेंगे और कंप्यूटर भी करेंगे। वो हमें बताया जाएगा कब करना है, वो हेडक्वार्टर बताएंगे। और क्लास टू से लेके क्लास नाइन तक जिस क्लास में वैकेंसी है उसी क्लास में ही हम एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये गाइडलाइन बताते हैं। हम अगर ये भी सोचते हैं किसी क्लास में आगे चलते किसी क्लास में वैकेंसी हो सकता है, तो उसी क्लास में भी शुरू नहीं करना है, क्लियर कट वैकेंसी होने पर ही हम शुरू कर सकते हैं, ये गाइडलाइन बताते हैं। तो हमारे ये बिगिनिंग में फ्रॉम 31st अप्रैल से हमारे पास क्लास टू में एक वैकेंसी और क्लास थ्री में एक वैकेंसी थे। अभी PC जाने के बाद हमारे पास दोनों क्लास में दो दो वैकेंसी बना है, दोनों क्लास में अभी 38-38 है, दो दो वैकेंसी बना है। तो हम जो हमारे पास फॉर्म आए हैं उस फॉर्म से ही हम आज लॉटरी कर लेंगे। लॉटरी करने के बाद पहले दो जन जो आएगा उन दो जन को आज या दो दिन में हम एडमिशन ले लेंगे। बाकी के जो लिस्ट बना होगा उस लिस्ट से कभी अगर इस दो क्लासेस में वैकेंसी बना तो इसी सीरियल में हम आज बनाएंगे उसे सीरियल से बुलाते रहेंगे, ठीक है। फिर आगे हम ये एडमिशन प्रोसेस ड्रॉप आउट स्टार्ट करने के लिए हम जो हमारे फॉर्म आए हैं, हमारे पास क्लास टू में 12 फॉर्म आए हैं और क्लास थ्री में भी 12 फॉर्म आए हैं। और इस फॉर्म को हम नॉर्मली हमारे गाइडलाइन के तहत हम बच्चे के परफॉर्मेंस नहीं देखते, हम पेरेंट्स के सर्विस कैटेगरी देखते हैं। सर्विस कैटेगरी के तहत पेरेंट्स के हम कैटेगराइज करते हैं, सर्विस कैटेगरी 1, 2, 3, 4 करके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो CRPF, BSF इस तरह का होते हैं, वो कैटेगरी 1 में आते हैं और प्रेफरेंस हम उनको सबसे पहले देते हैं। फिर इसके बाद कैटेगरी 2 होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी कहलाते हैं, जैसे हमारे फिशरी कॉलेज या FBI, इस तरह का जो ऑटोनोमस बॉडी है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ है उसमें, वो नजर रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। और थर्ड कैटेगरी में आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और थर्ड कैटेगरी 3 में आते हैं। और कैटेगरी 4 में आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे ग्रामीण बैंक या हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या इस तरह के जो। और लास्ट में जिनका कोई एम्प्लॉई नहीं है, बिजनेस करते हैं, वो कैटेगरी 5 में आते हैं। और हमारे लॉटरी जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैटेगरी को प्रेफरेंस दिए जाते हैं, कैटेगरी 1 को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, उनके सभी बच्चे एडमिशन होने के बाद अगर बोल सके तो फिर कैटेगरी 2, 3, 4 करते हम जाएंगे। इसके में फिर और एक बात है जो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 में भी अगर मेरे पास दो वैकेंसी है, अगर मेरे पास दो एडमिशन होते, दो ही फॉर्म आता, तो मेरे को लॉटरी करने की जरूरत नहीं था। अभी मेरे पास अभी कैटेगरी 1 के क्लास थ्री में 9 फॉर्म्स है, 9 फॉर्म्स है, और कैटेगरी क्लास 2 में 4 फॉर्म है, 5 फॉर्म है। तो मैं कैसे सबको तो नहीं दे सकता, इसलिए हमें लॉटरी करना है। तो लॉटरी करने का भी और एक क्राइटेरिया यहाँ पे भी ट्रांसफर है। हम सोचते हैं लास्ट 7 ईयर, मतलब 2000
सिक्स के मैट्रिक्स से अभी तक जिनके ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं उनको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कैटेगरी ऊपर क्यों देते हैं वो सब मुझे बता दें। तो और वो ट्रांसफर हम कैसे देखते हैं, हमें एक फॉर्म फिलअप कराए गए हैं या साथ में दिए हैं, इस तरह का हमें फॉर्म फिलअप कराए हैं, फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफर डिटेल फिलअप करने के लिए दिए हैं और नीचे काउंटर साइन है आइदर डीसी सर के या एसी मैम से जो होते हैं या हायर अथॉरिटी के। तो हम मान लेते हैं सर ने ऑथोराइज किया है, काउंटर साइन किया है, तो मान लिया ये है। या कोई कोई सर्विस सर्टिफिकेट देते हैं सर्विस या पीआईएस डाटा से देखते हैं, या सर्विस सर्टिफिकेट दिए है तो सर्विस में नहीं है, सर्विस सर्टिफिकेट में भी लिख देते हैं, तो उससे हम देखते हैं कितने ट्रांसफर है, जिनके ज्यादा ट्रांसफर होंगे उनके चांसेस ज्यादा होंगे। तो हमारे पास मैं क्लास टू का बताता हूँ। हाँ, और आज के ड्रॉप लॉट्स को सुपरवाइज करने के लिए देखने के लिए कि इसमें कोई इस तरह का कोई क्या गपलबाजी नहीं हुआ है, सही ढंग से हुआ है ड्रॉप लॉट या लॉटरी, तो इसलिए हमने एक कमेटी बनाया है। उस कमेटी के जो मेंबर्स हैं, सबसे पहले हमारे बीएमसी चेयरमैन सर के जो डीआईजी सर है सर के नॉमिनी नॉमिनी के तरह मैम आया है सीमा मैम, तो मैम देखेंगे देख रेख करेंगे पूरा। और इसके बाद प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के प्रिंसिपल जो मैं हूँ, कमेटी में छह मेंबर का टीम है। इसके बाद उसमें और एक टीचर होते हैं टीचर रिप्रेजेंटेटिव जो बिरंजय सर है, और दो पेरेंट होते हैं, एक पेरेंट प्रमोद सर और दूसरा ज्वेल दस। और इसमें होते क्या है, ये छह मेंबर और एक स्टूडेंट मेंबर होते हैं जो हमारे स्कूल के क्लास वन टू से लेके क्लास ट्वेल्व तक, तो हमने लिए क्लास ट्वेल्व के शुभम गुरुई हमारे क्लास ट्वेल्व में पढ़ते हैं, जो मतलब हायर क्लास में होते हैं वही प्रिपेयर करते हैं। तो ये है हमारे टीम के मेंबर्स जो हमारे आज के लॉटरी को देख रेख करेंगे, काउंटर फैमिली हमारे चल रहे हैं। हम आते हैं अभी कितने फॉर्म्स आए हैं और किन किन कटा हुए हैं क्लास टू के। अब देखिए क्लास टू के यहाँ पे हमने डिस्प्ले किए हैं फॉर्म्स, 12 फॉर्म्स है, 12 जन के नाम लिखे। सबसे पहले आर्यन दास, विद्यादेव वर्मा, तनिमा भटक, सिद्धिक साहब दत्ता, अम्भिवा सुबगम, विल्सन देव वर्मा, शुभम दास, अजश्री थापा, देवोरिया घोष, श्रोश्री पॉल, रुमा रफ्तार और रुखसादा पन्ना पन्ना। ये 12 फॉर्म्स है, 12 में से जो पहले चार इधर लिखा हुआ है ये लास्ट के पहले जो कॉलम है एडमिशन कैटेगरी, एडमिशन कैटेगरी से उधर देखिए 1-1 हाँ ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 1-1 जो है वो एडमिशन कैटेगरी है, और पास को जैसे रियल नंबर पास तक सब कैटेगरी 1 के है, ठीक है। और साथ में एकदम राइट में ये ट्रांसफर काउंट है कितने कितने ट्रांसफर हुआ है। सबसे पहले देखिए सबसे ऊपर जो आर्यन दास है, आर्यन दास का ट्रांसफर काउंट 3 है, आर्यन दास का ट्रांसफर 3 है तो इनके लॉटरी में नहीं आई और सिलेक्ट हो गए ट्रांसफर बेसिस पे है, तो उनके मुकाबले कोई और नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। मैं ये बच्चे कर लीजिए और ये सभी कैटेगरी 1 और ट्रांसफर गिनने के लिए दो क्राइटेरिया है, एक है दो पोस्टिंग के बीच में डिस्टेंस 20 किलोमीटर से ज्यादा होना है, 20 किलोमीटर से ज्यादा होना, जैसे सीआरपीएफ बी सीआरपीएफ से 24 में चले गए तो दोनों के डिस्टेंस 20 किलोमीटर नहीं है तो उसको हम ट्रांसफर नहीं गिनेंगे, या फटेकसरा से सालबाग ट्रांसफर हुआ है तो उसको भी हम नहीं गिनेंगे क्योंकि ये न्याय और 15 किलोमीटर, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 20 किलोमीटर होना जरूरी है और एक स्टेशन पे 6 महीना स्टे होना जरूरी है। अगर वो क्राइटेरिया फिलअप करते हैं तो हम उसको ट्रांसफर मानते हैं, तो इसके तहत हमने ये ट्रांसफर काउंट किया है।
तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे पास पांच फॉर्म है कैटेगरी वन के। इनमें जो सबसे पहले आर्यन दास उनके ट्रांसफर तीन ट्रांसफर है तो सबसे पहले प्रिफरेंस मिलेंगे। तो हमारे पास दो सीट है तो दो सीट में से इनको एक सीट चले जाएगी तो सीट मिल गया इनको इनका लॉटरी करने का जोश है। अभी नीचे देखिए तीन जन है तीन जन में से हमें एक लेना है या इनको सीरियल हमें पोजीशन देने हैं ताकि आगे अगर कोई वैकेंसी बने तो उनमें से हम बुला पाए। तो इन तीनों में से हम अभी लॉटरी करेंगे। सबसे पहले है प्रीता देवर्मा मंगल देवर्मा पैरेंट और अमीना घटक तन्मय घटक पैरेंट और दीक्षा दत्ता गौरवी दत्ता पैरेंट। ये तीनों के हम चिप बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने पहले प्रिंट करके रखे हैं एक जैसे तो यहाँ से हम एक जैसे हम भरेंगे। सबसे पहले ये फ्रीजा तमन्ना और सिद्दीक दत्ता ये तीन आर्यन दास है।
आर्यन दास जो जो हमारे लिस्ट में सबसे पहले होंगे नाम, इनका पहले मैंने हमारे पास तीन है, तमन्ना घटक, रिजादत वर्मा और सिद्दीक सदत्ता, इनको हम फोल करेंगे और यहाँ से अब आ जाएगा, एक बच्ची निकालना है बच्चा। ये तीन जन के लिए, तीन स्टूडेंट के लिए तीन चीट है, मैं मैम को दे रहा हूँ। तनिमा घटक, तनिमा घटक, तीन पे है सिद्दीक साहब दत्ता, और ये एक ही बचा है, ये उठाने के चलते नहीं है उठा लेता हूँ। सीधा पेपर में हाँ फोर्थ पोजिशन तो इसका मतलब है दो दो जन है, तो आर्यन दत्ता, आर्यन दास और तबीरा घो घटक, ये दोनों के हो चुके हैं और बाकी के सब सीरियल सीरियल रहेंगे वेटिंग लिस्ट पे। जब भी हमें वैकेंसी मिलेगा, वैकेंसी बनेगी, हम बुला लेंगे, ठीक है। और इससे जो हमारे वेटिंग लिस्ट पे सबसे पहले होंगे ये सिद्दीक सा दत्ता, फिर दूसरे नंबर पे है प्रीजा, प्रीजा से बनवा नेक्स्ट है हमारे कैटेगरी वन, एडमिशन कैटेगरी वन के सिंगल ट्रांसफर के एक ही है अभिभा स्वर्गम, तो उनका कोई लॉटरी करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे पोजीशन में फिर पोजीशन है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में थर्ड नंबर पर है। इसके बाद देखिए नीचे ओपनिशन पेपर का जो एडमिशन कैटेगरी थ्री के है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है, और ऐसे ऐसे भी कोई नहीं है थ्री के कैटेगरी थ्री के, तो इनको भी हम डायरेक्ट एडमिटेड मतलब पोजीशन डाल देते हैं, रोटरी करने की जरूरत नहीं है। ये पोजीशन कितना सिक्स और इसके इसी तरह ही शुभम दास, शुभम दास पैन और इनका कैटेगरी फोर, तो इनके भी इनके मुकाबले में कोई नहीं है, तो इनको भी हम डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इनके बाद वाला पोजीशन ले लेंगे, इनका होगा सेवन पोजीशन।
इसके बाद कैटेगरी 5 के है सब, कैटेगरी 5 के रूल नंबर 8 से शुरू होके अदिति थापा, एमोनिना घोष, शुभश्री पॉल, कुमार अख्तर एंड मदद सर मोक सर पंडा, ये पांच हाँ ये पांच लोगों के कैटेगरी 5 में आते हैं जो एक्चुअल है, कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो इनके हम नौकरी करेंगे। हमारे पास पांच चीज सिक्स है, ये पांच है, एक दो तीन चार पांच आए। ट्रेवोलिना घोष पोजीशन 8 और यह है शुभश्री पॉल पोजीशन 9। राजश्री थापा पोजीशन 10। मुक्सुदा पांडा पोजिशन 11। मुक्सुदा पांडा है पोजिशन 11। दिस कुमार अख्तर पोजिशन 12।
देखिए अभी लॉटरी के बाद हमारा जो पोजीशन बना है, सबसे पहले आर्यन दास जो पोजीशन वन पे है, फिर सेकंड में तमिला घटक सेकंड पोजीशन पे है, और हमारे पास दो वैकेंसी है, मतलब ये दो में एडमिशन हो जाएंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे है सुधीर सर गुप्ता, और फोर्थ नंबर पे है पीता देवर साहब, फिफ्थ पे है हम क्लास थ्री के शुरू करेंगे। क्लास थ्री के हमारे पास 12 फॉर्म है, और 12 फॉर्म में से 9 फॉर्म्स कैटेगरी वन के हैं, और ये 9 फॉर्म्स है मेरे पास कैटेगरी वन के। और सबसे पहले भावना, उनका ट्रांसफर टीम है, अमन पाल कैटेगरी वन के दो ट्रांसफर,
सवाल उठ गया रे महातो कैमरवाल के देवर बात का, इसका मतलब जो सबसे पहले है भावना जिनका टीम ट्रांसफर बन रहा है वो हमारे के रहते का लोग थे वो ऐसे ही सिलेक्टेड हो गए और तो आपसे कहा हमारे बैकलाइन सर हमारे कितनी है हमारे सुनैना जो है सुनैना देखते हैं भावना आप इधर का पेड़ नहीं ट्रांसफर जो आए वो ट्रांसफर नहीं है आपको करीमगंज से नौकटा आया एक ट्रांसफर है नौकटा से यहाँ आया दूसरा ट्रांसफर तीसरा से आपका फॉर्म है आप देखिए ये जो ट्रांसफर ऊपर ये 14 से तो सब बिना नहीं है ये 16 से गया तो आप यहाँ से यहाँ पे आए एक यहाँ से यहाँ पे आए ठीक ना और किसी को अगर डाउट है तो आप भी क्लियरिफाई कर लीजिए बाद में लॉटरी हो जाने के बाद नहीं कर पाए कंप्लीट हो गया ना सर चल रहा है
दिल में एक खुशखबरी है, वो ट्रांसफर तो है अभी तक, और आगे एक दो दिन में और दो ट्रांसफर बन सकते हैं, दो वैकेंसी बन सकते हैं। किसी अप्लाई करेंगे बताया गया है, किसी अप्लाई करेंगे किसी होंगे तो, और शायद और दो बन हम बुला लेंगे, अगर बनते हैं उनका। सबसे पहले जो भावना है, भावना के तीन ट्रांसफर है, इनको तो हम सिलेक्ट कर ही लेंगे। भावना के नंबर वन फोन के पीछे बच्चे को देखकर दीजिएगा। आजा बेटा, आपका नाम क्या है बेटा? संजय कंबले, अमन पाल, अलका यादव,
ओमकार संजय तोमर समर्थ यादव दो नंबर पे है ये सिलेक्टर है, ये भी एडमिशन हम ले लेंगे दो दिन में। इसके बाद
नंबर 8 पे सुनैना जो वाइटिंग लिस्ट 1 है और अमनपाल वाइटिंग फोर्थ पोजिशन है वाइटिंग लिस्ट 2 है अंशिका यादव वाइटिंग लिस्ट 3 उमर संजय सोमवरे वाइटिंग लिस्ट 4 समर्थी यादव वाइटिंग लिस्ट 5 अलका यादव वाइटिंग लिस्ट 6 उज्जैनी महातो वाइटिंग लिस्ट 7 उर्मी कांत वर्मा वाइटिंग लिस्ट 8 कसुरांत वर्मा वाइटिंग लिस्ट 9 एंड अल्विरा अल्विरा देव वाइटिंग लिस्ट 10 में और ये मैंने बता दिया पहले खुशखबरी है ये वाइटिंग लिस्ट 1 और 2 का भी एडमिशन हो सकते हैं जल्दी भी आज के लिए इतना ही फिर हम इस तारीख को देखेंगे मैं तो नहीं डालूंगा।